सीन ये है ये देख सकते हैं आप लोग, कुछ भी नहीं नजर आ रहा, नहीं कुछ भी नहीं भाई, इतनी की स्मोक, इतनी की स्मोक, मतलब कैमरे में आपको कैसी नजर आ रही होगी, पर भाई बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा स्मोक है, जिसकी वजह से मुझे मास्क पहनना पड़े। भाई इस स्मोक की वजह से मेरे भाइयों को भी छुट्टियां हो गई स्कूल से, तकरीबन 17 नवंबर तक छुट्टियां हो गई है। और भाई आप लोग कह रहे हो पार्क में मिल गया, तो भाई सब पार्क शार्क भी बंद हो गए। गाड़ियों के धुएं की वजह से होते हैं, हाँ एहतियात कर रहे हम घर बैठे दादा हो के बाहर तो भाई बात आप किसी निकले की वो बाहर है, निकले। इसकी वजह से होता है। तो भाई अब इससे बचना कैसे होगा, भाई बचना पहले ही यात्रियों मास्क होगा पहनो, एक हैंड वो तो है सैनिटाइजर। ना, अगर इसको लाए ना हम पहले, भाई साहब ये है कि इसको हम ना लेके आए, वो है दरख्त, ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाओ, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमारे जो सूबे में है फलाई लूटी क्यों हो रही है, हमारे सूबे में दरख्त कम है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। भाई जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे व्लॉग को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, मेरे आने वाले नए व्लॉग का आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। भाई आप लोग भी कह रहे हो कि सिर्फ मास्क पहन के क्यों व्लॉग शुरू किया, भाई साहब कंडीशन ये हो गई है कि मास्क पहनना पड़ा, क्योंकि भाई मैं आया था छत में चक्कर लगाने के लिए, फिर बादशाह करने के लिए, इस वक्त फजर टाइम पर, फजर का वक्त है, फजर की नमाज पढ़ के बैठा हूँ अभी भी, और भाई सीन ये है ये देख सकते हैं आप लोग, कुछ भी नहीं नजर आ रहा, नहीं कुछ भी नहीं भाई, इतनी की स्मोक, इतनी की स्मोक, मतलब कैमरे में आपको कैसी नजर आ रही होगी, पर भाई बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा स्मोक है, जिसकी वजह से मुझे मास्क पहनना पड़े। भाई इस स्मोक की वजह से मेरे भाइयों को भी छुट्टियां हो गई स्कूल से, तकरीबन 17 नवंबर तक छुट्टियां हो गई है। और भाई आप लोग कह रहे हो पार्क में मिल गया, तो भाई सब पार्क शार्क भी बंद हो गए, ये सामने पार्क तक नजर नहीं आ रहा, यहाँ से आपको पार्क दिखाता था वो नहीं नजर आ रहा, ये कंडीशन है, ये देखते हैं हम पार्क नजर आता है वो नहीं नजर नहीं आ रहा, तो इतनी की स्मोक हो चुकी है, स्मोक हो गई है, जिसकी वजह से हर चीज इन्होंने बंद कर दी है हुकूमत ने, और ग्रीन लॉकडाउन लगा दी है। तो ये सीन हुआ है फैसलाबाद में, लाहौर में से ज्यादा है, फैसलाबाद में फिलहाल भी ज्यादा हुई हुई है, बहुत ज्यादा, ये आपको मैं दिखा सकता हूँ भाई कंडीशन। भाई साहब ये क्या बन गया, भाई साहब ये क्या बन गया, भाई ये देख सकते हैं आपको सारा मैं दिखा रहा हूँ, फिलहाल ये सीन हुआ है, ये सारी फोग हुई भी है, कुछ नहीं नजर आ रहा भाई, ये कंडीशन हो गई है, बहुत ही बुरी कंडीशन है, क्योंकि ये इंसानी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है, ये इंसानी सेहत के लिए इतनी खतरनाक है कि लगा लो अंदर जाके गला खराब, बुखार, नजला जुकाम, और बहुत सी बीमारियाँ से लगती है, तो बहुत ही एक फिलहाल खराब सीन हुआ है। मुर्गा मेरे ब्लॉक में बोली जा रहा है, मुर्गा जो है ना हमारा अजाने दे रहा है, सुबह सुबह अजाने देता है वो, फिलहाल बहुत सीन खराब, मैं तो भाई नीचे जा रहा हूँ क्योंकि हल्की की सर्दी भी हुई है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही है इस तरह, तो मैं नीचे जा रहा हूँ, चक्कर चुक्कर देख लेंगे क्या बात शायद बात कर लेंगे, तो चलते नीचे और मुर्गे को देखूंगा, एक चुप ही ना हो रहा मेरे ब्लॉक में, चुप चुप भाई साहब रहा, तो भाई बहुत काटता बहुत है, अगर सर्दी से दर्द होगी भी, फिलहाल भाई बहुत ही ज्यादा स्मोक है, बहुत ही ज्यादा, और आपसे भी गुजारिश है कि आप लोग भी घर से बाहर निकलिए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्मोक हो चुकी है, ये ना हो कि आप लोग घर से बाहर निकले बीमार हो जाइए, तो जितना हो सके कम निकलिए, मुझे मैं भी कम कम मंडी जा रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम मैं मंडी जाता था, इतने मैं सच बताऊँ इस टाइम मैं मंडी जाता था, और अब मंडी नहीं जा रहा, तकरीबन हफ्ता हो गया मैं मंडी नहीं जा रहा, सुबह के टाइम, अब मैं दोपहर के टाइम मंडी जा रहा हूँ, और दोपहर के टाइम जो मतलब मेरा सर्कट की है थोड़ा बहुत, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत कंडीशन खराब हुई हुई है, स्मोक बहुत ज़्यादा हो गई है, सर्दी बहुत हो गई है, नज़र कुछ आता ही नहीं है, ये सीन है, तो यहाँ करते आज का ब्लॉग शुरू। 8 hours later रात हो चुकी है और हम इस वक्त नैनोगढ़ आए हुए हैं, तो भाई मुझसे ब्लॉग बना ही नहीं, सुबह तकरीबन फजर टाइम मैंने ब्लॉग शुरू किया, और अब रात हो चुकी है और हम नानोगढ़ से आए हुए हैं, और हमसे मुझसे ब्लॉग क्यों नहीं बना, वो इसलिए नहीं बना क्योंकि स्मोक 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 इतना कि सिर दर्द हो रहा है ना मेरा, इतना सिर दर्द अभी तक हो रहा, सिर दर्द माता, अस्सलाम वालेकुम माता, स्मोक बाहर है अंदर नहीं भाई, अंदर तो मैं तुम्हारे इसलिए पहले तुम्हारी बदबू इतनी है यार, आसमान में तो बता कर रहे हो, मैं सिर दर्द हो रहा बता कर रहे हो,
पर जाओ। तो भाई साहब आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मैंने सोचा कि आज ब्लॉग बनाऊं, पर जब शाम रात हो गई ना तो मेरा जहन बदल गया। मैं कहा चलो ब्लॉग नहीं बनाते, आज वीडियो बनाते हैं कि इस स्मोक से कैसे बचे हम, कैसे बचे इस स्मोक से हम। पहले तो भाई ये बता दो ये स्मोक है क्या चीज, स्मोक है क्या चीज। बैठ जाते यही तो वीडियो था भाई, 10 मिनट की वीडियो कर जानी थोड़ी। मैं तो सामान का मौका भी ले गए, पहले हम पहले बातचीत कर ले भाई साहब। ये स्मोक एक जहरीली हवा है, आप लगा लो हमारे पूरे सोने में एक जहरीली हवा मतलब किसी ने छोड़ दी हुई है, और हमारे अंदर ये जाएगी ना ये नुकसान दे होगी। तो ये सीन है, और ये हवा तकरीबन लगा लो हमारे अंदर जाएगी तो हमें नजला, जुकाम, बुखार और काफी मसले हो गए, आंखों का इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये एक जहरीली हवा है जिससे हमें बचना जरूरी होगा। इस जहरीली हवा की वजह से उस्मान साहब के सकूल बंद हो गए। उस्मान साहब से पहले बातचीत कर लेते। उस्मान साहब क्या हाल है? उस्मान साहब क्या कहना चाहते कि इसकी वजह से स्कूल बंद हो गया आपके? स्कूल तो स्मोक की वजह से बंद हुए, जहरीली हवा आई है। इसके अलावा मास्क पहनना कोई इसके एहतियात है? अभी तो मास्क कर दो ना, और ऐनक पहनना करो। हाँ। और कानों को ढकना करो। अगर ये कहीं भी जगह स्मोक चली गई आंख के या मुंह के अंदर के कानों के अंदर तो इन्फेक्शन हो सकते हैं उस तक। भाई सही बात कर रहे हो उस्मान साहब, मतलब कि ये इतनी खतरनाक हवा है कि ये तकरीबन लगा लो धुआं जा रहा है हमारे अंदर, ये धुआं जाएगा वो नुकसान करेगा ना, तो ये हवा हमारे अंदर जाएगी, इतनी की हवा जाएगी कि हमें बुखार हो जाएगा, नजला जुकाम हो जाएगा, आंखों के अंदर जाएगी, आंखों का इन्फेक्शन होगा, आंखों में से पानी निकलेगा, तो ये बहुत खतरनाक है। अब इसे बचना खतरा है, ये तकरीबन लगा लो स्मोक जो है ना तकरीबन 3-4 सालों से आ रही है, वरना इससे पहले नहीं आए थे। इससे पहले जी धुंध वगैरह वो होती थी 11-12 महीने में, वो भी इतनी नहीं होती थी, 10-15 दिन नहीं होती थी धुंध। तो ये जो स्मोक है ना ये 3-4 सालों से आ रही है, ज़्यादा देर नहीं। तो ये स्मोक आती कहाँ से? भाई साहब एक लोग ना चला देते हैं फसलें वगैरह, जो फसलें होती है ना फसलें वगैरह चला देते हैं, उसकी वजह से धुआं वगैरह हो जाता इकट्ठा, और ऊपर से भाई ट्रैफिक जो होती है मतलब लगा लो ट्रैफिक जो मतलब रक्षे वगैरह चला, धुआं धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ी होती है उधर से तो भाई अब इससे बचना कैसे होगा? भाई बचना पहले ही यात्री होगा तो है ना, अगर इसको लाए ना हम पहले भाई साहब ये है कि इसको हम ना लेके आए वो है दरख्त, ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाओ ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमारे जो सूबे में फसल लूटी क्यों हो रही है, हमारे सूबे में दरख्त कम है, हम दरख्त लगते हैं बड़े होते दरख्त की वजह से हमें ऑक्सीजन मिलती है। हां मैं कह रहा हूं दरख्त से ऑक्सीजन मिलती है, ज्यादा दरख्त लगाएं। हां हां भाई साहब उस्मान साहब ने पूरी साइंस पढ़ी हुई, मैंने भाई इतना साइंस में ध्यान नहीं दिया, उस्मान साहब ने पूरी साइंस का मतलब नाम पर दिमाग लड़ाया हुआ है। तो भाई दरख्त ज्यादा लगाया जोड़ो। अब मैं सुबह जा रहा था कहीं काम से, मैं जा रहा था भाई तो मुझे नजर आया कि 2-3 भाई दरख्त काट रहे, तो मुझे इतना ही गुस्सा चढ़ा भाई, जो हमारे सूबे की हालत है पूरे मुल्क में जो हालत है सफाई लूदगी जो हुई हुई है पूरे मुल्क में नहीं पूरे पंजाब में हुई है, पंजाब में ज्यादा है, तो पंजाब में जो सूरत हाल है तो आप लोग वो दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए, आप लोग दरख्त काट रहे हो, सीन बहुत खराब है। तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा भाई, हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने चाहिए, लोग काट रहे दरख्त, कह रहा हूँ सर्दी हो रही है जी लकड़ियाँ जलानी है, लकड़े काट रहे हैं ये काट रहे हैं वो, भाई खुदा का खौफ खाओ, ये दरख्त हम अपनी खुद ही अपने आप जान मतलब जान की फिक्र नहीं कर रहे, हाँ जान मुश्किल में डाल रहे हैं, हम दरख्त काटते हैं और हम आग लगा देते हैं वो होर धुआं होता है होर आसमान में फजाई लुटकी हो जाती है। तो भाई बहुत ये खतरनाक काम हो रहा है जिसकी वजह से कम अज कम उम्र से माँ को 1 हफ्ता हो चुका है, सुकून नहीं जा रहे, स्कूल से छुट्टियाँ हैं, पार्क बंद है, कारोबारी जो इससे वो सारे बंद हो रहे हैं, ग्रीन लॉकडाउन लगा हुआ है फैसलाबाद में भी, लाहौर में भी, पंजाब के कई इलाकों में, तो बहुत सूरत खराब हो चुकी है। अब मैं बाहर गया हूँ, मास्क पहन के जाना पड़ रहा है मुझे, ऐनक पहन के जाना पड़ रहा है, फिलहाल गढ़ में तो सुटा सही है, गढ़ में तो रानी है, अगर मैं अभी ये बात उनके दोबारा खोल दूँ सारी हवा अंदर आ जाएगी, घर में भी हो जाएगा काम, तो ये बहुत ही खतरनाक काम हो रहा है। हुकूमत पंजाब को ये सोचना चाहिए, सख्ती करे ज्यादा से ज्यादा सख्ती करे, अगर बारिश हो गई ना स्मोक का खत्म हो, हाँ
देखिए, और एक अलग तरफ से कुदरत का निजाम है, अगर बारिश हो गई तो ये भी खत्म हो सकती है, पर बारिश का चांसेस बहुत कम लग रही है। ऊपर से आप लोग भी कह रहे हो गर्मियों में भी फसाई तो क्यों नहीं होती भाई, ये अलग तरफ से ना ये मौसम में नमी हो जाती है, सर्दी होती है ना ये खुश्क मौसम हो जाता है, जिसके वजह से मौसम में हल्की नमी हो जाती है, और उसकी वजह से ना ये आसमान में जो भी धुआं जाता है ना फजाई लुदगी बन जाती है, स्मोक बन जाती है, जो कि हमारे के लिए खतरनाक है, इंसानी सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक। तो आज मैंने इसी टॉपिक में बातचीत करी है आपसे, मास्क का जरूर मतलब करें इस्तेमाल, ऐना भी पहने, आंखों के लिए सही रहेगी, आंखों के लिए जब भी बाहर जाए बिला फजूल बाहर जाए ना, कोई काम हो फिर जाए, क्योंकि भाई अब ये जो सुल्तान है ना, इस सुल्तान में आप लोग फजूल बाहर जाओगे तो आप लोग अपनी सेहत के लिए गलत करोगे, सेहत के साथ ही गलत करोगे, अपना अपने साथ गलत करोगे, अपनी सेहत के साथ करोगे। तो मैं यही कहता हूँ कि आप बिला फजूल बाहर ना जाओ और ज्यादा से ज्यादा घर रहो जब तक इस मौका है, मेरे ख्याल से ये रहेगी महीना की होड़, अगर बारिश ना हुई तो, अगर बारिश हो गई तो अल्लाह करे बारिश हो जाए तो ये स्मोक से निजात छुटे, हम फिर अपने जो पंजाब फैसलाबाद शहर है पंजाब हमारा सुबह हम सुकून से बाहर निकले मास्क के बिना निकले, और कारोबार भी जो बंद हुए हुए हैं, स्कूल बंद हुए हुए हैं, पार्क ज्यादा बंद हुए, सब कुछ खुले और निज़ाम फिर से वैसा हो जाए, तो अभी तो निज़ाम खराब हुआ है, बिल्कुल खराब। साहब एक आखिरी बात तुम कर लो अब, के एक ऑप्शन हो गया, इससे बच सकते हैं आप स्मोक से। मुख से बचने का है, और मास्क है ना क्या, और कान को ढांपने के लिए कपड़ा कोई, नहीं कान का तो नुकसान है, दरख्त वगैरह लगा ले ना, दरख्त लगाए तो हमें ज्यादा उसकी में तो जो दरख्त काटते हैं उसके खुद ही अपने जान को मुश्किल में डालते हैं, तो कुमार सख्ती करे ना, करनी चाहिए भाई, करनी चाहिए। तो भाई देखते हैं फिलहाल क्या सीन है, छोड़ने वाली गाड़ी को बंद करना चाहिए, धुआं छोड़ने वाली गाड़ी है, हां मार दे साले का, खोपड़ी तोड़ दे, खोपड़ी तोड़ साले का, क्या कहे जैसे आप छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, तो दिमाग दिमाग करा दे, मैं सीधे तो आता, तुम बता के करी ज्यादा बनी नहीं पागल ना बनो। तो भाई जितना ये रखे हो चिंकी रखे हो, बसे वगैरह हो गई, ये चीजें हुकूमत को बंद करनी चाहिए, खासकर चिंकी रखे और जो कि तुम्हें छोड़ने वाली गाड़ियाँ और भी बहुत सी ज्यादा है, उनको बंद करनी चाहिए। तो फिलहाल ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो आपको बताने के लिए कि स्मोक से कैसे बचे, पंजाब में सूरत हाल बहुत ही खराब है, खासकर पंजाब के जो इलाके हैं फैसलाबाद लाहौर मुल्तान गुजरावाला, लाहौर में सबसे ज्यादा, उसके बाद मुल्तान में है, उसके बाद भी आता है गुजरावाला, फैसलाबाद में चौथे छठे पांचवें छठे नंबर में आते हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा पंजाब को कैसे बचाना है, पंजाब की आवाम डर जाए के स्मोक से बचना है हमें। तो मैंने आज इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया, मुझसे मेरा बना नहीं, मैं तो यार ये वीडियो बना कर ना नेट में जा देते हैं, हमारी वीडियो तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो याद करते हैं इस वीडियो को एंड, यकीन आपको हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और भाई इसमान साहब इस आप भी कर दो लाइक सब्सक्राइब, लाइक सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और तो मास्क पहन के भिड़े, मास्क पहन के फिरा करो, आने के लगा के फिरा करो, और आप जैसे धुएं छोड़ने को बंद करे करो, मेरा दिमाग गया, बाय बाय, अल्लाह।